मेड़ता का ऐतिहासिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मीरा जयंती महोत्सव विधिवत रूप से ध्वज पूजन के साथ आरंभ हुआ। भगवान चारभुजानाथ के पुजारी भगवती प्रसाद शर्मा द्वारा मुख्य यजमान पुखराज गहलोत व परिवार के हाथों विशेष सजाई गई रजत रेवाड़ी के झूला महोत्सव की पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से अखंड हरि कीर्तन आरंभ किया गया। इस अवसर पर राजसमंद सांसद दिया कुमारी भी महोत्सव के अवसर पर चारभुजानाथ मंदिर पहुंची। विश्व विख्यात माँ मीरा का जन्मोत्सव का आगाज हुआ जो आगामी 29 अगस्त तक चलेगा, जिसमें आज राजपूत समाज के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। शाम को 5:15 बजे चारभुजा चौक से देरानी सरोवर तक शोभा यात्रा होगी और वहां भव्य दीपदान और महाआरती का प्रोग्राम होगा। उसके बाद 25, 26 और 27 अगस्त को भक्त की संध्या का प्रोग्राम है और 29 अगस्त को चारभुजानाथ और मीरा की रजत रेवाड़ी का भ्रमण मेड़ता की नगरी में होगा। उसके बाद मीरा के जन्म महोत्सव का समापन किया जाएगा। कोटा के उद्योगनगर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस की टीम ने 1 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया। आरोपी चेतन प्रकाश 12 के जरेला गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस की टीम ने कैनाल रोड UIT प्लानिंग के पास कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया तो वहीं उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। बूंदी के जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा विभाग की ओर से बूंदी के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुड टच और बैड टच को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में सभी सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को शामिल किया गया ताकि छात्र छात्राओं को शारीरिक शोषण के प्रति जागरूक किया जा सके। सरकार द्वारा एक नई पहल चालू की गई है जिसके तहत स्कूल के विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाएगा। जिस प्रकार आजकल कई प्रकार से बहुत बच्चों में यौन शोषण और यौन उत्पीड़न चल रहे हैं तो बालकों को किस प्रकार इन उत्पीड़न से बचाया जाए, उनमें जागरूकता पैदा की जाए तो ये कार्यक्रम सुरक्षित विद्यालय सुरक्षित राजस्थान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। अभी यहाँ पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिक्षकों का किया जा रहा है। इसके पश्चात 26 अगस्त को प्रत्येक विद्यालय में प्रातः 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हर छात्रा को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो भ्रांतियाँ हमारे बीच थी कि लड़कों और लड़कियों को अलग रहकर सिखाना या फिर केवल लड़कियों के साथ ही क्राइम होते हैं, लड़कों के साथ नहीं होते, ये भ्रांति को आज हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि लड़के भी उतने ही शिकार होते हैं जितने लड़कियों के साथ होते हैं। और सबसे बड़ी भ्रांति हमने ये दूर करी है कि केवल मेल ही लड़कियों के साथ बुरा काम कर सकते हैं, नहीं, महिलाएं भी, आंटियां भी, बहनें भी छोटे बच्चों के साथ लड़कों के साथ इस कुकृत्य को अंजाम दे सकते हैं। शिक्षा विभाग में नवाचार के तौर पर गुड टच और बैड टच के ऊपर कार्यशाला आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य है कि स्कूल और घर में बच्चों को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करना, तो उसके तहत जो टीचर्स हैं हमारे जिनके हाथ में सारी बागडोर रहती है, बच्चे उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनकी यहाँ कार्यशाला आयोजित कराई जा रही है। सभी ब्लॉक के टीचर्स को बारी बारी यहाँ बुला के प्रशिक्षण कराया जा रहा है ताकि लोगों में जनजागृति फैले और ऐसे केसेस कहीं दबे हुए हैं तो वो सामने आ सके। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ विवादित किताब को लेकर भारी विरोध। जयपुर के सुडाला थाने में विश्व हिंदू परिषद ने करवाया मुकदमा दर्ज। जयपुर के विभिन्न इलाकों में घरों में बांटी जा रही थी किताब अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को लेकर विरोध हुआ तेज। सुडाला थाना पुलिस अब कर रही है मामले की जांच। कल सुडाला थाने में एक FIR दर्ज कराई गई जो तथाकथित बाबा रामपाल दास जो अभी भी न्यायिक हिरासत में है उनके अनुयायी और पब्लिकेशन हाउस से किताबें बेची जा रही जिसका शीर्षक था अंध भक्ति खतराए जान, जिसके अंतर्गत हिंदू देवी देवताओं का अवहेलना करी गई, मजाक बनाया गया और धर्म की आस्था को आहत पहुंचाने की बातें लिखी गई। 153A धारा 295A 153A एंड 295A ऑफ IPC के अंतर्गत में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये लोग पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर इन किताबों को बेचते हैं और हिंदू धर्म का अवहेलना करते हैं, उनके आस्था को आहत पहुंचाते हैं और देवी देवताओं का मजाक करके अभद्र बातें उसमें लिखी जाती है। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और हमने मुकदमा दर्ज कल हाथों हाथ पकड़ के उनको कराया गया है और इसमें कानूनी कार्रवाई से इस केस को लड़ा भी जाएगा।
राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा 12 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत पांचवें चरण में प्रदेश के सभी डिपो इकाई व मुख्यालय पर अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बीकानेर डिपो पर भी रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि उनकी 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिन पर सरकार तुरंत निर्णय ले, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज संयुक्त प्रदर्शन है। हमने राजस्थान सरकार को और परिवहन मंत्रालय को 5 सितंबर को हड़ताल का नोटिस दे चुके हैं और हमारी मांगे जो 11 सूत्री है उसका नोटिस हमने सरकार को और परिवहन मंत्री को दे दिया गया है, लेकिन आज 2 महीने के बावजूद भी आंदोलनों का क्रम लगातार चलता रहा है, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जा रही है, न हमारे नेताओं को कोई बुलाया जा रहा है, न कोई वार्ता की जा रही है। हम हमारी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, रोडवेज के कर्मचारी हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ रोडवेज और जनता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, क्योंकि बसें खत्म हो रही है, बसों का संचालन हो नहीं रहा, बसें कमी होती जा रही है। आज 1500 कंडम बसें खड़ी है, लेकिन 1500 के अलावा उसके बदले में कोई बसें नहीं ली जा रही है। आज रोडवेज के अंदर 10,000 की भर्तियां की जरूरत है। इसी प्रकार से हमारे जो वेतन विसंगतियां हैं OPS की है, रोडवेज कर्मचारियों को नहीं नहीं करते, आज 11 महीने हो गए कोई वेतन पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जुलाई की वेतन पेंशन अभी तक नहीं मिला है। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी आवाज़ को हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि मैं देता देता नहीं थकूंगा और आप मांगते मांगते थक जाओगे, हम मुख्यमंत्री से आह्वान करते हैं कि रोडवेज कर्मचारी की उपेक्षापूर्ण नीति को दूर हटाएं और हमारी जो कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगे हैं उसका तुरंत ध्यान देकर के हमारे नेताओं को बुलाया जाए। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता मोहम्मद उस्मान आरिफ की 28वीं पुण्यतिथि पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बड़े कब्रिस्तान में उनके मजार पर पुष्पांजलि व श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया। श्रद्धांजलि सभा में शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने मरहूम आरिफ को खिराजे अकीदत पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठावान व समर्पित व्यक्तित्व बताया। पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे एक अच्छे शायर, कुशल प्रशासक, अच्छे बैरिस्टर और बहुत ही ये कहना चाहिए मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने जीवन पर्यंत एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और मुझे याद है कि उन्होंने गजल बनाई थी, मुल्क वाले जानो सब इंदिरा जी के साथ है, दिल से इंदिरा जी के साथ है, बहुत ही प्रसिद्ध रही है, पूरी दुनिया ने उनकी इस रचना को सुना। इसके साथ साथ में जो रहम दिल थे, बहुत गरीबों के प्रति, मुफलिसों के प्रति दयावान थे और हमेशा परोपकार के कार्य करते रहे। बूंदी में भाजपा पार्षद ने प्रेस वार्ता आयोजित कर नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस दौरान कजली तीज मेले की बोर्ड बैठक से पूर्व ही कजली तीज मेले के कार्यक्रमों का पैम्पलेट सोशल मीडिया पर वायरल होने और कार्यक्रमों में अधिक खर्च करने के मामले को लेकर भी भाजपा पार्षद ने जमकर निशाना साधा। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान विकास शर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा बच्चों एवं महिलाओं से जुड़े अपराध पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं, नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, मेडिकेटेड नशे पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को साथ में लेकर कार्रवाई जारी है। ये हमने आज 2 पोस्टर का विमोचन किया है, जिसके पीछे पर्पज है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उस पर कहाँ वो सूचना दें, किस तरह की वो बात करें, तो इस एक पोस्टर उसके लिए भी विमोचित किया गया है, जिसमें नंबर्स दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, वो सूचित करेंगे तो वो सूचना पुलिस के पास आएगी और पुलिस उस पर आगे अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेगी। इसका पर्पज़ ये है कि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सके कि यदि वो डिस्ट्रेस में है तो किस चीज़ से, किस तरह से वो संपर्क कर सकते। दूसरा, चूँकि एक सही न्यूज़ लोगों तक पहुँचे, उसको पहुँचाने के लिए जो राजस्थान पुलिस के हैंडल्स हैं अलग अलग सोशल मीडिया के और गंगानगर पुलिस के, उसके QR कोड के पोस्टर्स लॉन्च किए गए हैं, ताकि लोग उस पर उनको अगर फॉलो करेंगे तो उन तक सही न्यूज़ पहुंचेगी, किसी घटना की वास्तविक जानकारी उन तक पहुंचेगी। झुंझुनू की बागड़ पुलिस ने बिजली विभाग के लाइनमैन का किडनैप कर मारपीट मामले में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को काटली नदी से दस्तयाब किया गया। घटना के दौरान इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी भी जब्त हुई। बदमाशों ने 19 जुलाई को ड्यूटी से घर लौटे लाइनमैन का अपहरण कर लिया था। इस संबंध में बख्तापरपुरा निवासी लाइनमैन हरिराम ने बागड़ थाने में मामला दर्ज करवाया था। ये दिनांक 20/8/23 को शाम को करीब 7:30 बजे बख्तापरपुरा का रहने वाला है परिवादी, ये हरिराम पुत्र गोविंद राम जाति रह गए, ये बिजली विभाग में नौकरी करता है
लांबा गोठड़ा में, और लांबा गोठड़ा से ये मोटरसाइकिल से नोनिया गोठड़ा होते हुए और बख्तावरपुरा जा रहा था, तो ये पांच बदमाश थे जो बोलेरो गाड़ी लेकर के और कच्चे रास्ते में नोनिया गोठड़ा के पास कच्चे रास्ते में खड़े थे, तो उन्होंने इसको रोक लिया और रोक करके इसके साथ में मारपीट की और शराब के लिए पैसे मांगे और इसको जो है गाड़ी में पटक लिया, और इसकी मोटरसाइकिल और इसका मोबाइल और जो बिजली विभाग का जो बाइंडर होता है मीटर रीडिंग लेने के लिए उसकी इसके साथ में लूट कर ली और इसको लांबा गोठड़ा गांव में पटक गए। उसके बाद में इसने आकर के थाने पे मुकदमा दर्ज कराया जो डकैती और अपहरण की धाराओं में, और चूँकि एससी एसटी का व्यक्ति है तो एससी एसटी में मुकदमा दर्ज करके और तफ्तीश मेरे द्वारा की गई, और दूसरे ही दिन मुलजिमों को त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने एसएचओ ने और उसकी पार्टी ने जो है तुरंत उनको ला करके मेरे समक्ष पेश किया। उसके बाद तफ्तीश मैंने इनको पांचों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके और कल इनको जेल भिजवा दिया गया है। शहर के सदर थाना इलाके में महिला की पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीओ सदर शालिनी बजाज मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चला। मकराना पुलिस ने मार्बल घड़ाई के बाड़े में काम आने वाले ग्लैंडर चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया। इस दौरान पुलिस द्वारा एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और उससे कुल 67 ग्लैंडर जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो वहीं अब आरोपी को न्यायालय में भी पेश किया जाएगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।